आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी MBBS जॉर्जिया से करने का प्लान कर रहे हैं या जॉर्जिया आने वाले हैं अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को इन 5 चीज़ों की डिटेल होनी चाहिए जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। इन 5 चीज़ों की फुल डिटेल अगर उन बच्चों के पास है तो आपको जॉर्जिया में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर ECTS सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम। तो आपको 6 साल में 360 क्रेडिट पूरे करने होते हैं। आपके टोटल 12 सेमेस्टर होंगे और उन 12 सेमेस्टर में आपको 30-30 क्रेडिट करके 6 साल का MBBS का कोर्स आपका जॉर्जिया में पूरा करना होगा। अब बात करते हैं टीचिंग पैटर्न की, कि यहाँ पर टीचिंग किस पैटर्न में होती है। तो बेसिकली 2 तरीके से होती है। कुछ क्लासेस जो होती हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए या फिर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए, उनकी क्लासेस ऑनलाइन भी लग जाती हैं या फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाके ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और जो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में लगती हैं, प्लस आपको हॉस्पिटल्स भी जाना पड़ सकता है उनकी क्लास अटेंड करने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर को क्लिनिकल एक्सपीरियंस देना होता है स्टूडेंट्स को, तो वो अपनी क्लास हॉस्पिटल्स में या फिर किसी क्लिनिक में रख लेते हैं, तो आपको वहाँ जाके वो क्लास अटेंड करनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। तो जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए अपनी 6 साल की MBBS की डिग्री के लिए, वो सारा स्टडी मटेरियल और स्टैंडर्ड बुक्स और प्रेजेंटेशंस आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। आपको ड्राइव देती है, पोर्टल देती है, जिस पे वो सारी चीज़ें अपलोडेड रहती हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके बहुत ईजिली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको स्टडी मटेरियल की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की। तो यहाँ पर इंडिया जितना तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, बट हाँ इतना कम भी नहीं है। आपको सर्जरीज़ के देखने के लिए बुलाया जाएगा हॉस्पिटल्स में, आपको असिस्ट करने के लिए बुलाया जाएगा सर्जरी हॉस्पिटल्स में, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं, आप वार्ड्स में जाएंगे। तो मतलब इंडिया जितना नहीं है, बट हाँ मैं ये बोलूँगा कि इतना कम भी नहीं है। तो आप ठीक ठाक क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं वेकेशन की। तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन मेरे से पूछ चुके हैं और बहुत सारे पूछते रहते हैं, कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेकेशंस साल में 2 बार होती हैं यहाँ पर। एक होती है करीब जुलाई टू सितंबर और एक होती है लास्ट ऑफ द जनवरी टू फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ द मार्च। तो 2 बार वेकेशंस होती है साल में, जिसमें आप इंडिया जा सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 टाइम आप राउंड ट्रिप मार के आओगे इंडिया से, तो आप करीब 40-50,000 आप एक्सपेंडिचर अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस और इतने ज़्यादा डिटेल नहीं थी जब मैं जॉर्जिया आया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जब जॉर्जिया आओ तो आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर रहें, कोई भी दिक्कत आपको ना हो जॉर्जिया आने के बाद। तो जितनी भी डिटेल, जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको अच्छे से समझें। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, आप यूट्यूब में आप मेरे कॉमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा और आपके डाउट क्लियर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MBBS अब्रॉड से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं या फिर जाने का डिसाइड कर चुके हैं, तो उनको बहुत हेल्प होगी। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड पीस आउट।